फैनी आपने खाई बहुत बार होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि फैनी आखिर बनती कैसे है। और इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सिंपल सी दिखने वाली चीज को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना कॉम्प्लेक्स इसका प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो को गाइस बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या लिया जा रहा है भैया? पहले मैदा छानी जा रही है। तो भैया कितने किलो मैदा ले रहे हैं हम? 20 किलो। तो गाइस अभी पहले 20 किलो मैदा छानी जाएगी। देखिए तो गाइस देखिए 20 किलो मैदा छानने गई है। अब इसके अंदर पानी डाला जाएगा। तो ये देखिए गाइस पानी डाल दिया गया। अब इसे आटे की तरह गूंदा जाएगा ऐसे। देखिए इसमें बीच बीच में पानी डाला जाता रहेगा, इसे गूंदा जाता रहेगा। देखिए गाइस तो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं और अभी भी ये गूंदा जा रहा है। तो बहुत मेहनत लगती है इसको गूंदने में, क्योंकि 20 किलो मैदा है एक साथ गूंदी जा रही है। और आप देख सकते हैं कितनी ताकत लगा के इसे गूंदा जा रहा है। तो भैया कितनी देर लगेगी टोटल इसे गूंदने में? 15 मिनट और लगेंगी। और 15 मिनट तक ऐसे ही गूंदते रहोगे इसे? तो गाइस देखिए कोई ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुकी है और 20 मिनट मेहनत की गई है। सब कहीं जाकर ये मैदा गूंदी गई है। अब गाइस इसे ढक के रख दिया जाएगा, उसके बाद इससे आगे का प्रोसीजर होगा। और अभी इससे क्या किया जाएगा? इससे गोला बनाया जाएगा। अभी इससे गोला बनाया जाएगा। तो ये देखिए गाइस मैदा ले ली है। तो पहले इसे गोल गोल टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। ये देखिए जो गोल सा टुकड़ा तोड़ा गया था उसे घुमा घुमा के बिल्कुल राउंड शेप दी जाएगी। ये देखिए, और ऐसे जितने भी टुकड़े तोड़े जा रहे हैं सभी को बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप दी जाएगी। और फिर ये दिए जाएंगे उधर, वहां पे इन पे घी लगेगा भैया। तो जितनी मैदा रखी है सबके गोले बनाए जाएंगे। तो भैया टोटल कितना टाइम लग जाता है इसे बनाने में? 1.5 घंटा लग जाएगा तोड़ने में ही, और पूरा बनाने में? तो अभी देखिएगा जितने भी मैदा थी उसके गोले बना दिए गए हैं। तो जितने भी गोले हैं ये देखिए सबको ऐसे घुमाया जाएगा जैसे कृष्ण भगवान अपना चक्र घुमा देते हैं। फिर ये डोनट जैसी शेप दी जाएगी, इसे थोड़ा और लंबा किया जाएगा और फिर ऐसी शेप देके इसको ट्रे में रखा जाएगा। इसमें ट्रे में कितनी देर रखे रहेंगे भैया? ये रखेंगे 10 मिनट तक। अब इससे क्या किया जाएगा भैया? सेल बटी जाएगी। अब इसकी सेल बटी जाएगी। तो ऐसे इसे बटा जाएगा जैसे बांध बटा जाता है और ये लंबा होता चला जाएगा। ये देखिए गाइस, जो मैदा की हमारी बॉल ली थी उसे अब बटा जा रहा है और देखिए कितना ये लंबा होता जा रहा है। मतलब आप देखिए जितना बटा जा रहा है उतना ही लंबा होता जा रहा है ये। एक बार, अरे वाह, ये देखिए गाइस कितना लंबा हो चुका है। ये पूरा पनाज जो है देसी घी से भरी हुई है। तो गाइस ये देखिए कितना देसी घी है इसके अंदर ये डाल दिया गया बटने के बाद, और अब इसे घी लगा लगा के लपेटा जा रहा है। तो आप देखिए कितना घी आ रहा है इसके अंदर, और घी लगा के इसे इधर रख दिया गया है और अभी इसके बीच में और घी रखा गया है। ये देखिए गाइस बीच में भी इसके घी भरा जा रहा है ढेर सारा। कितनी देर रखा जाएगा इसे? 20 मिनट तक रखा जाएगा। अभी देखिए जितनी भी थी सभी के अंदर घी लगा दिया गया है। और अब भैया आप क्या किया जाएगा इसमें? फिर लपेटा जाएगा। तो ये देखिए गाइस इन्हें फिर से लपेटा जा रहा है, लपेट के फिर से रखा जाएगा। अभी ये 20 मिनट तक और रखा जाएगा और देखिए इसके ऊपर भी घी लगाया जा रहा है। और अभी से फिर से लिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा भैया इसमें? अब फिर लपेटा जाएगा खींच खींच के इसको। तो गाइस देखिए नंबर ऑफ लेयर्स इसमें बढ़ती ही रहेंगी। फिर से लपेट लपेट के इसे खींचा जा रहा है और फिर लाके रख दिया गया है इसे इधर जैसे पहले रखा था, और पहले की तरह फिर इसके अंदर घी भर दिया है। अब ये फिर रखी जाएगी 20-25 मिनट। तो गाइस 25 मिनट हो चुकी है, अब इसे फिर से लिया गया है। अब इसे फिर से ऐसे किया जाएगा? तैयार किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, अभी इसे लंबा सा खींच के रखा जाएगा। और आप पास आकर देखिए एक बार भैया, जरा रोक के दिखाइए, ये देखिए कितनी इसमें लेयर बन चुकी है। तो गाइस देखिए जितना भी ये था सब ट्रे के अंदर फैलाया जा चुका है। और अब क्या किया जाएगा भैया इसका? अब इसके पीस बनाए जाएंगे। बनाइए, अभी इसे लंबा किया जा रहा है और खींच खींच के। तो अभी देखिए इसे खींच खींच के और लंबा किया जाएगा। तो मतलब मैदा अब गल चुकी है पूरी तरीके से घी में, और इसके टुकड़े किए जाएंगे और टुकड़ों को फिर से लपेटा जाएगा। तो मतलब ये लपेटने वाला प्रोसेस आप सोचे कितनी बार हो चुका है इसके अंदर? 10 बार हो चुका है। तो भाई 10 बार ये लपेटने वाला प्रोसेस हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज्यादा लेयर्स बन चुकी होंगी इसके अंदर। तो बहुत रेशेदार बनने वाली है, आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिएगा इधर घी लिया जा रहा है कढ़ाई में, इसमें फ्राई की जाएगी ये फैनी। आप देखिए अपनी जो सुतर फैनी तैयार हुई है इसे डाला जाएगा घी के अंदर। और गाइस आप देखिए फ्राई होने के बाद इसके जो रेशे हैं वो नजर आ रहे होंगे आपको, कितनी रेशेदार लच्छेदार ये बनके तैयार हुई है। अभी भैया कितनी देर फ्राई होगी ये? 20 मिनट तक फ्राई करी जाएगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार बनी है ये। जो इतनी मेहनत इसमें की गई है वो ये लच्छे लाने के लिए की गई है, जो रेशे रेशे नजर आ रहे हैं आपको। अभी देखिए फ्राई हो गई है ऑलमोस्ट, अभी इसे बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकाल के छल्ले में रखा हुआ है कि नीचे इसमें जितना एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल चुका है, अभी इन्हें ला के रखा जा रहा है दूसरे बर्तन में। इसके बाद भैया चाशनी में पंगाया जाएगा इनको, ठंडे होने के बाद। अच्छा, मैंने ठंडा किया जाएगा, उसके बाद चाशनी में पंगा जाएगा। अब फैनी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे लेके आ जा रहा है ऊपर जहाँ पे चाशनी डाल के इसे पंगा जाएगा।
और आप देखिए कितनी सारी फैनी है जिसको उठा के ये ऊपर लाए हैं एक बारी में। तो अभी देखिए सूत्र फैनी आ चुकी है, अभी से भैया चाशनी डाली जाएगी क्या? चाशनी डाली जाएगी। तो गाइस अब देखिए इसे चाशनी में डाला जाएगा। ये मीठे वाली बन रही है, जो मीठे वाली है उसका प्राइस है 460 रुपए केजी, और जो फीके वाली अगर आप लेना चाहें वो ज्यादा सेल होती है, उसका प्राइस है 560 रुपए केजी। तो गाइस अभी तैयार हो गई है, इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे इसके निकल जाएगी। तो चलिए आपको भी टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। बहुत ही सॉफ्ट है, हल्का सा मीठा है, और आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट है, पूरे साल नहीं मिलती है, सावन के सीजन में ही मिलती है। तो सावन में अगर आपको भी खानी है जल्दी से आ जाइए हीरालाल एंड सन्स पे शाहदरा में। ना केवल वहां पे आपको ये बहुत ही बेहतरीन फैनी मिलेगी, साथ ही आपको सेफ्टी भी है क्योंकि उनका पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है। तो मुझे फैनी खा के और बनते हुए देख के मजा आ गया। अगर आपको भी वीडियो देख के मजा आया हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।